ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज ही मंडे नाइट रॉ के बारे में, जहां पर हमारे दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस थे। कर्ट एंगल को कौन फेस करेगा रेसलमेनिया में, इसके अलावा बटिस्टा का क्या कहना रहा ट्रिपल एच को लेकर, क्यों उन्हें ट्रिपल एच के साथ मैच चाहिए, ब्रॉक लेसनर भी रॉ के एपिसोड में आने वाले थे और सेथ रॉलिंस को भी बदला लेना था ड्रू मैकइंटायर से। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले उन सभी बड़ी चीजों के बारे में जो कि आज हमें देखने को मिली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो शो की शुरुआत में देखने को मिलती है यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन से। यहाँ पर पॉल हेमन वही बात करते हैं कि कैसे ब्रॉक लेसनर तगड़े हैं, सेथ रॉलिंस के मैच की बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर को भी मेंशन करते हैं कि कैसे वो एक करियर किलर हैं जिसके बाद ड्रू मैकइंटायर आते हैं, और ड्रू मैकइंटायर यहाँ पर अप्रिशिएट करते हैं कि उन्हें मेंशन किया गया। और इसके बाद वो यहाँ पर ये चीज़ भी बोलते हैं कि क्यों ना ब्रॉक लेसनर सोचे एक नए ओपोनेंट के बारे में, क्योंकि आज जो वो करेंगे सेथ रॉलिंस के साथ, उसके बाद सेथ रॉलिंस हाल में नहीं होंगे कि वो रेसलमेनिया 35 में फेस कर पाए ब्रॉक लेसनर को। जिसके बाद पीछे से आते हैं सेथ रॉलिंस और वो चेयर शॉट से बुरी तरीके से ड्रू मैकइंटायर के ऊपर अटैक करते हैं, और जैसे ही वो रिंग में एंटर करते हैं तभी ब्रॉक लेसनर रिंग से चले जाते हैं। और एक बार ब्रॉक लेसनर यहाँ पर अपनी इंटेंशन दिखाते हैं कि वो सेथ रॉलिंस के साथ जाकर ब्रॉल करें या फिर एक कुछ एक्शन में देखने को मिले, लेकिन तभी उसके बाद वो ऐसा ड्रामा करते हैं और इस पर क्राउड ने काफ़ी ज़्यादा बू किया ब्रॉक लेसनर को। और इस तरीके से यहाँ पर ब्रॉक लेसनर चले जाते हैं और रिंग के बीचों बीच स्टैंड टॉल करते हैं सेथ रॉलिंस, जहाँ पर क्राउड ने बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट दिखाया सेथ रॉलिंस के लिए। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें ब्रॉक लेसनर की, तो उन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बू हमें देखने को मिली। इसके बाद हमें जो अगली चीज़ देखने को मिलती है वो था फिन बैलर और उनके मिस्ट्री पार्टनर वर्सेस लियो रश एंड बॉबी लेस्ली के बीच मैच। और यहाँ पर जो मिस्ट्री पार्टनर रहा वो कि रिटर्निंग सुपरस्टार नहीं था, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ रूमर्स भी आ रहे थे, क्योंकि ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि थे मॉन्स्टर मैकमैन ब्रॉन स्ट्रोमैन। हमें यहाँ पर इन चारों सुपरस्टार्स के बीच एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है और इस मैच में जीत होती है ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड फिन बैलर की। इसके बाद अगली बड़ी थिंग की बात करें जो कि हमें रॉ के एपिसोड में देखने को मिलती है, और ये थी कर्ट एंगल की अनाउंसमेंट की किसे वो फेस करने वाले हैं एट रेसलमेनिया 35। यहाँ पर कर्ट एंगल कहते हैं कि काफी सारे सुपरस्टार हैं जिन्हें वो फेस करना चाहेंगे रेसलमेनिया में, लेकिन एक सुपरस्टार जिसे वो बीट करना चाहेंगे जिसने उनका दिमाग खराब करके रखा हुआ है, और वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि बैरन कॉर्बिन है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था बैरन कॉर्बिन को फेस करेंगे कर्ट एंगल, लेकिन यहाँ पर सच में कुछ ऐसा हो गया और कर्ट एंगल और बैरन कॉर्बिन का मैच हो गया सेट रेसल में 35 में। ऑब्वियसली क्राउड ने इस चीज़ को काफ़ी बुरी तरीके से बू किया। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पर कोई बड़ा सुपरस्टार जॉन सिना का नाम, यहाँ पर क्राउड जॉन सिना को लेकर चैंट भी कर रहा था, लेकिन कर्ट एंगल की पिक थे बैरन कॉर्बिन। मुझे नहीं पता है कैसा बुकिंग डिसीजन है। उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है कर्ट एंगल वर्सेस चैट गेबल के बीच, और इस मैच में कर्ट एंगल जीत हासिल करते हैं, और उसके बाद हमें बैरन कॉर्बिन भी इंटरप्ट करते हुए दिखाई देते हैं कर्ट एंगल को। अगली थिंग की बात करें और ये हमें देखने को मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग जो कि थी वुमेंस डिवीजन में। यहाँ पर हमें नटालिया, बेथ फिनिक्स, साशा बैंक्स एंड बेली का कुछ एंगल देखने को मिलता है, जिसके बाद इनके बीच मैच भी सेट होता है साशा बैंक्स और नटालिया के बीच। और यहाँ पर इंटरप्ट करने आ जाती हैं नाया, जैक्सन, तमीना, और यहाँ पर हमें इन तीन टीम्स के बीच कुछ देखने को मिल रहा है जो कि सच में वुमेंस डिवीजन को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, और हो सकता है रेसलमेनिया में 35 में हमें वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए कोई एक बहुत बड़ा मैच देखने को मिल जाए। इसके अलावा अगली बड़ी थिंग की बात करें जो कि हमें रॉ के एपिसोड से देखने को मिलती है, तो वो था यहाँ पर रोंडा राउजी वर्सेस डेना ब्रुक का मैच, जहां पर रोंडा राउजी यहां पर अपनी हस्बैंड के साथ आती हैं। मतलब पहले यहां पर रोंडा राउजी का कॉफ चल रहा था और अब उनके हस्बैंड भी यहां पर आ चुके हैं, और इस मैच में बहुत ही जल्दी से हरा देती हैं रोंडा राउजी डेना ब्रुक को, और उसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ चली जाती हैं क्राउड के जरिए। मतलब यहां पर एक तरह से हमें बहुत ही रूड वाला कैरेक्टर देखने को मिला रोंडा राउजी की तरफ से। जिसके बाद हम बात करें अगली थिंग की जो कि हमें रॉ के एपिसोड में देखने को मिलती है, तो वो थे बटिस्टा, जहां पर वो सैटेलाइट से जुड़े होते हैं, और यहां पर बटिस्टा बताते हैं कि क्यों वो फेस करने वाले हैं ट्रिपल एच को एट रेसलमेनिया 35। यहां पर बहुत ही जबरदस्त बातें देखने को मिलती है बटिस्टा की तरफ से। वो कहते हैं मैंने WWE को छोड़ा था सिर्फ ट्रिपल एच की वजह से, क्योंकि उन्हें ये नहीं लगता था कि मैं एक स्टार हूं, और इसके अलावा उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा कि रेसलमेनिया 35 में वो ये मेक श्योर करेंगे कि जो ट्रिपल एच का इन रिंग करियर है वो हो जाए पूरी तरीके से खत्म। तो यहाँ पर हमें ये वर्ड्स देखने को मिले बटिस्टा के ट्रिपल एच को लेकर, लग रहा है कि जैसे सच में वो इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा पर्सनल बनाना चाहते हैं, और रेसलमेनिया 35 में दोनों सुपरस्टार्स के बीच हमें देखने को मिलेगा एक कमाल का मैच। और बात करें मेन इवेंट की, तो मेन इवेंट से पहले हमें ड्रू मैकइंटायर का प्रोमो देखने को मिलता है, उसके बाद सेथ रॉलिंस आते हैं और हमें तुरंत ही ब्रॉल देखने को मिल जाती है, जिसके बाद वो बदलती है एक मैच में। बहुत ही ज़बरदस्त मैच हमें देखने को मिला दोनों सुपरस्टार्स के बीच, बहुत सारे क्लोज पहुंचते हैं यहाँ पर। लेकिन जो इस मैच की में एंडिंग देखने को मिलती है वो कुछ ऐसे, जब ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग एकदम हिट होता है, इस पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सेथ रॉलिंस और तभी अपना फिनिशर लगाते हैं ड्रू मैकइंटायर पिन करके, वो इस बड़े मैच में जीत हासिल करते हैं, जिसके बाद रैंप पर खड़े होकर ब्रॉक लेसनर हंसते हैं और रिंग के बीचों बीच हमें स्टैंड टॉल करते हुए दिखाई देते हैं ड्रू मैकइंटायर। यहाँ पर इस तरह से रॉक एपिसोड का हुआ एंड। डिसअपॉइंट करने वाली बात यहाँ पर ये रही कि हमें कर्ट एंगल की बहुत ही बुरी अनाउंसमेंट देखने
को मिली और रोमन रेंस एंड डीन एम्ब्रोस भी हमें रॉ पर कहीं भी देखने को नहीं मिले। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक के बिना तो कहीं मत जाना। कमेंट करके आप लोग मुझे अपने थॉट्स बताना कि आज की रॉ आपको कैसी लगी और 5 स्टार में से आप लोग इसे कितने स्टार की रेटिंग देंगे। साथ ही साथ आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई की लेटेस्ट अपडेट्स डेली जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।